बस की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बस से टकराकर युवक बस के पिछले टायर के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसा कांगड़ा के इंदौरा गांव का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक पालखी गांव का रहने वाला है। अतः किसी काम से इंदौरा की ओर जा रहा था कि इंदौरा की ओर से आ रही बस से टकराकर बस की पिछले टायर के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सुभाष चंद्र सुपुत्र गंगाराम निवासी पालखी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु नूरपुर अस्पताल भेज दिया है तथा पुलिस द्वारा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। वहीं बस का ड्राइवर व कंडक्टर मौके से फरार हो गई। एक इंदौरा से जो बस है जरैल बस है, वो बुडुकर की ओर जा रही थी और बुडुकर की तरफ से एक मोटरसाइकिल चालक जो है सुभाष सनम गंगाराम आरओ बलाखी डाखाना भमरवा ये तहसील इंदौरा, तो इसकी उम्र है 40 वर्ष। जैसे ये आ रहा था तो ये गाड़ी के जो अगले टायर के साथ बजता हुआ और ये पिछले टायर के नीचे आ गया और वहीं इसका सिर जो टायर के नीचे आया और ये वहीं मौका में ही डेड हो गया। और बस चालक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की आपने? ये जो बस चालक है वो बलकर उसके विरुद्ध जो है 279-304 ये जो है FIR जो है उसके पंजीकृत की गई है और कार्रवाई पुलिस जारी है और उसको उसका नाम है बलकार सिंह सन ऑफ उजागर सिंह BPO दरखाली तहसील फतेहपुर। हाँ उसको से अभी टीम चला गई है तो कुछ ही देर में उसे क्योंकि वो मौके से उस वक्त फरार हो गया था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।